नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। सोलन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज सोलन के विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए गए और नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे गए। इस मौके पर मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोलन कुमार गौरव भी मौजूद रहे। उन्होंने जहां एक ओर चालान काटे, वहीं ट्रैफिक नियमों की पालन न करने वालों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया और उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई कि अगर वो दोबारा नियमों की अवहेलना करते पाए गए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल नवीन कुमार ने कहा कि आज मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोलन गौरव कुमार के आदेशानुसार शहर के सप्रून में नाके लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और करीब 20 लोगों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि ट्रैफिक नियमों की अनुपालन न करने वालों को सीख देना और जागरूक करना है। इसी उद्देश्य से वो शहर में चालान कर रहे हैं ताकि नियमों की अवहेलना करने से कोई युवक किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए और अपने जीवन से हाथ न धो बैठे। उन्होंने कहा कि शहर में नियमों की अवहेलना करने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिन पर अंकुश लगाना इस मुहिम का लक्ष्य है। आज मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोलन के नेतृत्व में यातायात चेकिंग सुप्रून चौक पे की जा रही है, जिसमें पुलिस थाना सदर, यातायात इकाई व हमारी जो चौकियां हैं उनके कर्मचारी शामिल हैं। इस ट्रैफिक चेकिंग का उद्देश्य है हमारा वो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जो भी चालक हैं उनको उनके चालान करना है। और अभी तक हमने 20 चालान कर दिए हैं और करीब 21,000 रुपये फाइन इम्पोज कर दिया है। सुपीरियर ऑफिसर्स का आदेश है, चालान करना हमारा मुख्य मकसद नहीं है। सड़कों में जो हमारे युवा पीढ़ी यातायात नियमों की उल्लंघना करते हुए जो अपना खून बहा रही है उसको हमें रोकना है। मतलब जो एक्सीडेंटल केसेस है उन पर अंकुश लगाना मुख्य मकसद है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपना यौवन है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाए, ना कि यातायात का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर अपना खून बहाएं। को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।